तो भैया कुछ ऐसा दिख रहा है अपना सेटअप, तो बाकी सही है, बढ़िया है। कल टेस्ट भी किया था तो बढ़िया रहा। तो भैया अब सीन कुछ ऐसे हैं, सुबह के बज चुके हैं 6:30, और हमारा प्रोग्राम था 6 बजे निकलने का, और जिसकी वजह से हमने इतने काफ़ी लेट करा दिया है। खैर मैं तो सुबह 4 बजे का उठा हुआ था, उसने कहा था 6 बजे हम पूरे निकल जाएंगे, और 6 बजे भी वो उठा है, तो अभी कहता है कि आधा घंटा भी और लगेगा। तो तब तक दोबारा से तैयारियां करी थी, वापस वैसे बैठ गया हूँ, तो अब देखो कब तक निकलेगा। तो बाकी आपको बताता है, हम लोग जा रहे हैं स्पीति वैली, और बाकी जो भी जैसा भी रास्ता रहेगा, जो भी मज़ा आएगा, वो आपसे पूरा शेयर करेंगे और पूरी आपको नॉलेज देंगे कि बाकी हमारा भी फर्स्ट टाइम है। तो बस चैनल पर नए हो तो भैया सब्सक्राइब। तो भैया काफ़ी देर बाद 7 बज चुके हैं निकलते निकलते, तो अब आ रहा है अमित भाई। अमित भाई ने कर दी हमारी लेट काफ़ी ज़्यादा, तो हम निकल रहे हैं। बस जाने से पहले यहाँ पे गुरुद्वारा है, मत्था टेक के गुरुद्वारे में, फिर अपन लोग निकल जाएंगे। तो भैया जी अपन हो गया सिस्टम शुरू, और जाते जाते करते हैं सबको बाय बाय टाटा। भैया अब हम निकल चुके हैं घर से। सबसे पहले तो भैया हम जाएंगे गुरुद्वारे में मत्था टेकेंगे, क्योंकि जाने से पहले अगर बाबा जी से ना मिलो तो भैया जाने में मज़ा नहीं है। तो बाजू में हमारा गुरुद्वारा है पिंड का, कहाँ पे लगाऊँ भाई, अंदर यहीं पे। जी गुरुद्वारे के कर लिए दर्शन, और दर्शन करके हम निकल चुके हैं ये चुंगी वाले रास्ते से, क्योंकि ये रास्ता बढ़िया एकदम खुला, टापो टाप चलेगा पहुंचे तक। पहला पंपा, पहले पंपा कराते हम टैंकी फुल, क्योंकि भाई इसके बाद है अपना पेट्रोल पंप काफ़ी दूर, तो हमने तो यहीं रिफिल करा लें पूरी गड्डी आके अपनी टैंकी फुल। अब हम निकल चुके हैं अपनी सफ़र की, और अब बस ये हम जा रहे हैं पोंटा साहिब वाले रास्ते से, मतलब ये पोंटा साहिब वाली सड़क है, तो पोंटा साहिब से हम ऊपर निकल जाएंगे नान की ओर। और रास्ता कुछ ज़्यादा ख़राब होते हुए मालूम नहीं सरकार आजकल कहाँ बिजी है, सड़कें क्यों नहीं बना रही है, उनको दिखता नहीं राइडर से लोग जाते हैं, तो सड़कें साफ़ होनी चाहिए। तो भैया हमारा बन चुका है पोपट, बहुत तगड़ा है। तो अच्छा हम रास्ते में रुक गए, हमने अपना गोप्रो चेक किया तो देखा गोप्रो हैंग हो गया था, बीच में हैंग हो रखा था। तो अच्छा मैंने कहा यार मुझे ना डाउट आ रहा था कुछ क्या हो रहा, टू टू आवाज नहीं कर रहा, तो रुक के चेक किया तो देखा गोप्रो हैंग था। बीच में हमने पूरे मतलब पोंटे साहिब वगैरह हर जगह की वीडियो बनाई, वो वीडियो नहीं बनी। चलो बाकी चलो अब आगे बहुत रास्ता है, आगे की बना लेंगे कोई नहीं पोंट। तो भैया नान पहुंच चुके हैं, यहाँ पे ऊपर बहुत बड़ा गुरुद्वारा साहिब है, बहुत जस्ट बार है। कहाँ चलना है यहाँ से ऊपर सड़के की जाए, गारों की फैमिली गुजार बहुत रहते हैं यहाँ पे। गुरुद्वारा साहिब आ गया, वाहिगुरु वाहिगुरु मेहर करी बाबा मेहर करी। भैया जी शिमला रह गया यहाँ से 120 किलोमीटर, और यहाँ के आप घर देख लो भैया, जहाँ जहाँ तक आपकी जा रही है नजरे वहाँ वहाँ तक हैं लोगों के घर। भैया ये चीज़ ना मुझे आज तक समझ नहीं आई, कितनी दूर लोग रहते कैसे हैं, इतने दूर जाके लोग रह रहे हैं, कुछ है नहीं, कुछ फैसिलिटीज नहीं है आसपास, कुछ नहीं है। और ये देख लो यहाँ घर है, गाड़ी है, कुछ नहीं है। पहाड़ आएंगे टूटे फूटे पहाड़ आने वाले हैं, भाई खतरनाक सीनरी आने वाली है अपनी। ठेका ठेका तो हर जगह मिलेगा भाई, चला ठेका हर जगह है, जहाँ दो घर है वहाँ एक ठेका है। हम यहाँ पे इस जगह पहुँचे हैं, जगह पता नहीं, पर यार यहाँ के जो घर है ना, इन घरों ने हमारा दिल जीत लिया, बस इतना बोल दूँ मैं आपको। और शिमला यहाँ से रह गया 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे भाई साहब वहाँ से जो व्यू दिख रहा था मैं इतनी दूर से, ये पहाड़ से लेके नीचे तक एक ही बिल्डिंग है पूरी, मैंने क्या सीन है वो टॉप में बिल्डिंग। ये कहाँ आ गए हम भाई, ये हाईवे वे कहाँ निकल रहे हैं, अरे इतने अच्छे लोग कहाँ से आ गए, आप कहाँ जाना है, चल 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 सीधा किधर भैया, शिमला 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 जा रहे हैं बस। अलग सर है, हेलो सर शिमला के लिए कहाँ से, शिमला शिमला इधर, थैंक यू सर। खरा सीधा हाँ हो जाता सीधा भी।
ऐसी हम पहुंच चुके हैं सोलन। देख सकते हो आप इतना बड़ा दृश्य जो कि ये है सोलन का। अभी 40 किलोमीटर है अभी यहाँ से शिमला, लगा देंगे आधे घंटे में शिमला। ये है सोलन, पार करके हमने पकड़ लिया शिमला वाली रोड जो कि बेफालतू का जाम लगा रखा है इन्होंने। भाई किस चीज़ का जाम लगाया हुआ वो तो समझ नहीं आ रहा, आधे घंटे से 1 किलोमीटर का जाम लगा पड़ा है। कौन तो भैया, ये शोरूम सारे हैं भाई, ये तो देख लिया मैंने। पहाड़ों में आपको हर चीज़ मिलेगी, ये नहीं है कि पहाड़ वैसे नहीं रहे हैं। आपके प्यूमा स्केचर्स हर शोरूम मिलेगा यहाँ पे। पता नहीं किस बात का जाम है। टोचन द जट भी शौकीन मुड़ तो रोकने रागनी नहीं भाई, गड्डी गुड्डी हट जाओ भाई हट जाओ। अरे कहाँ दे रही है से उधर कर लेना। तो भैया जी हम पहुँचने वाले हैं शिमला, पर उससे पहले जाम देख लो भैया। इस जाम ने मतलब परेशान कर दिया है। एक तो पहाड़ पहाड़ी है, ऊपर से जाम है। ये क्या हो रहा है भैया यहाँ पे, ये क्या सीन हो रहा है? गाड़ी ठोक दी। भाई सीन हो गया है खतरनाक। आंटू के हाथ पर पड़ रही थी, नहीं क्या हो गया था? गाड़ी फाड़ दी। फिर विकम शिमला और सामने है शिमला का गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा। अरे मेंट लोग क्या कर रहे हैं वहाँ, लोगों जाम लगा लगा के बुरा हाल किया हुआ है। वाहेगुरु वाहेगुरु सच्चे पातशाह मेर करी। शिमला क्रॉस हो गया है, क्रॉस कर थोड़ा उठर आ गया शिमला से। यहाँ पे ढाबा में यहाँ रुकेंगे क्योंकि भूख ना इतनी मतलब अनकंट्रोलेबल हो गई थी कि भैया हमने कहा जब तक खाएंगे तब तक चलेंगे नहीं, क्योंकि अभी 150 किलोमीटर और हैं जो कि आज की हमारी डेस्टिनेशन है। तो हम जा रहे हैं कुछ खाने दाफनी। तो भैया शिमला में रुके हैं एक जगह, तो हमने अभी थाली ऑर्डर करी है, एकदम देसी थाली और देसी होटल है सिस्टम का एकदम। तो भैया जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं भाई, वैसे वैसे ठंड बढ़ चुकी है और गुस्सा आ रहा है मुझे प्रीत पे, क्योंकि उसने मुझे ग्लव्स नहीं लेने दिए थे। बोल रहा था महंगे हैं, नहीं नीचे दिलवाऊंगा, नीचे भी नहीं दिलवाए। अब ग्लव्स लेना है भाई, ठंड दोनों भाई नहीं लेके आए ग्लव्स। अब यहाँ खड़े होकर हम पेट्टे खा रहे हैं, खा के अब रामपुर जाना है। रामपुर जाएगा 120 किलोमीटर। तो हमारा जो आज का स्टॉप होगा जहाँ पे हम रात को स्टे करेंगे वो करेंगे हम रामपुर पे, वहीं पे जाके आपको दिखाएंगे। तो भैया जी कुफरी से अब हम निकल रहे हैं सीधा, हमें पहुँचना है भैया रामपुर। रामपुर है यहाँ से अभी 100 किलोमीटर मान के चलो, 120 किलोमीटर भी और रामपुर है। तो हमें किसी भी हालत में रात तक पहुँचना है रामपुर। और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं कुफरी शिमला में, हमने रोटी खा ली थी। अब हमें कवर करना है जल्दी से जल्द, जितना जल्दी हम कवर सकते हैं कवर करेंगे, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो चुके हैं टाइम और अभी 120 किलोमीटर जाना है हमने। पूरी सेब की फैक्ट्री है, इतने सारे सेब, ये सारे ट्रक सेब के भरे पड़े हैं। यहाँ पे एप्पल लगते हैं भाई साहब, सब ट्रक सेब के भरने के लिए यहाँ पे। गाइस जैसे कि हम पहुँचे हैं अपनी डेस्टिनेशन से 70 किलोमीटर पीछे, हम वहाँ थे ये उधर की तरफ, तो वहाँ से हमें एक ये ढाबा दिखाई है। तो शिपाल भाई का कहना है कि ये ढाबा है किस पे टिका हुआ वो देखने आए थे, उसके बाद पता लगा कि ये ढाबा नहीं है तो रेस्टोरेंट है पूरा। हाइट में देखो कितनी है, हाइट में देखो एक बार, पहाड़ी आएगा।